हेलो दोस्तों, क्या आपका बच्चा दुबला पतला कमज़ोर है, ठीक से खाना नहीं खाता है? खाना अगर अच्छे से खा रहा है तब भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो ये रेसिपी आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर लंच या डिनर में खिला सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम समय में बनकर ये तैयार हो जाती है। तो फिर चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं मुरमुरा, तो एक बड़ा बाउल भरकर मैंने मुरमुरा लिया है, ये देखिए। इसे हम डाल देंगे पैन में, और अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप मुरमुरे की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच रोस्टेड चना, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच पम्पकिन सीड्स, साथ ही में इसमें हम मिलाएंगे 4 मैंने बादाम लिए हैं, इसे डाल देंगे। और इतनी ही क्वांटिटी में हम ले रहे हैं काजू, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए रोस्ट करेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, और इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए, मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, लगभग 1.5 मिनट के ऊपर हो चुका है इसे रोस्ट करते हुए। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रोस्ट की हुई सामग्री को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और सभी चीज़ों को अब हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो रोस्ट की हुई सभी सामग्री हल्की ठंडी हो गई है, थोड़ी क्रिस्पी भी हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने। रोस्ट की हुई सभी सामग्री को अब हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जार का ढक्कन लगाकर इसका एकदम हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, एकदम बारीक पाउडर इसका बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और अब इसे हम हाथों हाथ अलग बाउल में निकाल लेंगे, या फिर आप इसे एयर टाइट जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फूड आपको अपने बच्चों के लिए किस तरह से बनाना है। तो रेसिपी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पैन ले लिया है, और ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है इसके 2 छोटे चम्मच पाउडर हम बर्तन में डाल देंगे, और इसकी क्वांटिटी आप अपने बच्चों के डाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया है, और अब इसे हम गैस पर रखकर पका लेंगे। तो बर्तन को मैंने गैस पर रख दिया है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, हल्का सा गाढ़ापन इसमें आने लग गया है। तो एक बार हम इसमें चम्मच चला देंगे और इसे इसी तरह से हम पकने देंगे। तो फूड को पकाते हुए मुझे 5 मिनट के लगभग हो चुके हैं, ये देखिए। और इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चुटकी नमक। आप चाहें तो नमक की जगह मिश्री पाउडर या फिर जैगरी पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल देंगे इसे। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच घी, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ अब इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो घी मिलाने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए और पका लिया है। सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फूड को हल्का ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है, और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे।
और ये बनकर तैयार है हमारे घर के बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, जिसे आप लंच या डिनर में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। यकीन मानिए ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आपके बच्चे सूजी दलिया खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों का पेट अच्छे से भरेगा और वज़न बढ़ाने में ये काफ़ी लाभदायक रेसिपी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।